हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पट्टी समोसा। दोस्तों, इसके लिए मैंने लिया है करीब 4 चम्मच मैदा। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करने वाली वह थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और धनिया, मटर और पोहा जो कि मैंने भिगो के रखा है, कटे हुए प्याज और थोड़ी सी मूँगफली। तो सामग्री आपने देख ली है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने जो मैदा लिया हुआ है उसमें से जो है हमें उसे उसका एक पेस्ट जैसा बनाना है। आप देख लीजिए मैं किस कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना रही हूँ। तो मैंने जो मैदा है उसको एक बोल में ले लिया है और पानी की हेल्प से मैं उसे उसका एक घोल रेडी कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए, इसे आप कुछ इस तरीके से घुलाते जाइए, इंश्योर कीजिए कि इसमें किसी भी तरीके का लंप ना रहे। तो इस ऐसा करते हुए आप जो है मैदे का एक फाइन पेस्ट रेडी कर लीजिए। ये देखिए, ऐसे आराम से मैदे को घोलेंगे तो आप इसमें लंप्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाले हैं। तो ये देखिए, एक फाइन पेस्ट हो गया है रेडी। ये देखिए, इसमें से 1 चम्मच हमने निकाल के रख लेना है, उसका इस्तेमाल हमें बाद में होएगा। तो एक पैन जो है, कोशिश कीजिए कि नॉन स्टिक पैन रहे, यदि नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। पैन के गर्म हो जाने पे हमें उसमें करीब 1 चम्मच ऑयल डालना है। ये देखिए दोस्तों, ऑयल को तवे पे स्प्रेड करने के बाद आप उसे वाइप ऑफ कर दीजिए। ये देखिए, मैं एक टिश्यू पेपर की हेल्प से पूरा ऑयल जो है वो वाइप ऑफ कर रही हूँ। पूरा ऑयल जो है वो मैंने वाइप ऑफ कर लिया है। हम फिर से 2 मिनट लगभग वेट करेंगे इसे गर्म होने का। दोस्तों, उसके बाद जैसे आप डोसा बनाते हैं कुछ उस पैटर्न में आपको पतली पतली शीट्स रेडी करनी है। ये देखिए, इसे स्पून की हेल्प से तब तक स्प्रेड करते जाइए जब तक ये स्प्रेड हो पाए। जितना पतला होगा जो समोसे हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। दोस्तों, ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश है और ये यहाँ का स्ट्रीट फूड है, और ये पंजाबी समोसों से बहुत ज़्यादा अलग होता है। चाहे इसकी स्टफिंग हो या फिर इसकी आउटर कवरिंग हो, सारी चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं। ये बनाने में बहुत ईजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए, आप कुछ इस तरीके से करके इसकी जो शीट्स है वो रेडी कर लीजिए। ये देखिए, 2 मिनट में ही इस शीट जो है वो रेडी हो जाती है। दोस्तों, आप इसे बहुत ही सावधानी से हैंडल करें, ये बहुत ही डेलिकेट शीट होती है। ये देखिए, यदि ऐसी चिपक भी जाती है तो आप उसे बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दोनों तरफ हल्का हल्का इसे सेक लिया है। बस आपको इतना ही सेकना है, इससे ज़्यादा नहीं सेकना है। तो ऐसा करके आप जो है शीट्स रेडी कर सकते हैं। तो गाइज, शीट जो है मेरी, एक शीट तो रेडी हो गई है, इसे मैं एक प्लेट में प्लेस कर दूंगी। ये देखिए, देख सकते हैं आप कैसी शीट है। सिमिलरली मेरे पास जितना बचा हुआ बैटर है उसकी भी मैं एक एक करके शीट्स रेडी कर लूँगी। ये शीट देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। दोस्तों, शीट बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। ध्यान रखें कि शीट जो है जितनी पतली हो सके उतनी पतली बनाएं। तो जब तक हमारी शीट्स रेडी हो गई हैं, अब हम इसका जो स्टफिंग है वो रेडी कर रहे हैं। हमने लिए हैं भीगे हुए पोहा, यानी कि भीगा हुआ चूड़ा, जो कि हमने मुश्किल से 15 से 20 मिनट पहले ही भिगो के रखा हुआ था। उसका पानी हमने बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है और हमने पोहे को प्लेस कर दिया है एक बोल में। इसमें हम ऐड करेंगे कटे हुए अनियन, यानी कि कटे हुए प्याज, थोड़ी सी मूँगफली, मटर, मैंने फ्रोज़न पी लिया है, आप चाहें तो उबले हुए मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्च, हरी धनिया। और दोस्तों, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेडीमेड मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और अब इस पूरे मिश्रण को जो है बहुत अच्छे से चला के रेडी कर लें। ये देखिए, तो हमारा जो स्टफिंग का मटेरियल है वो हो गया है रेडी। और दोस्तों, जो हमने शीट्स रेडी की हैं उनको कुछ इस स्टाइल से काट लें। एक चाकू की हेल्प से बहुत ही सावधानी से शीट्स को काट लें, जैसे कि मैं काट रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही हल्के हाथों से शीट्स को काटेंगे, अदरवाइज़ ये फोल्ड हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने शीट्स काट के रेडी कर ली हैं। और
शीट्स को ऐसे चार टुकड़ों में काट लें या जितनी भी आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप शीट्स रेडी करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने शीट्स काट लिए हैं और अब मैं इसके अंदर स्टफिंग डालने वाली हूँ। तो एक स्पून की हेल्प से आप स्टफिंग रखते जाइए, जो भी आपने स्टफिंग का मटेरियल बनाया हुआ है, और बहुत ही अच्छे बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे प्लेस करें क्योंकि शीट बहुत ही नाजुक है। ये देखिए, अब हमने जो थोड़ा सा मैदे का घोल बचा के रखा था उसकी हेल्प से ये शीट के किनारों पे कुछ इस तरीके से लगाएं जैसे मैं लगा रही हूँ। ये देखिए, अब इसको बहुत ही हल्के हाथों से आपको ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में फोल्ड करना है दोस्तों, और हल्के हाथों से किनारे को दबाते हुए सील करें। ये देखिए दोस्तों, सील करते समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है जिससे कि इसकी प्रॉपर सीलिंग हो सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे जो समोसे हैं वो हो गए हैं रेडी। तो अब टाइम आ गया है कि हम इन्हें फ्राई करें। तो एक कढ़ाई हमने गरम कर ली है, उसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा रिफाइन ऑयल। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं अथवा आप इसे कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो अब हो गया हमारा जो कुकिंग मीडियम है यानी कि ऑयल जो है वो हो गया है गरम। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं हमारे समोसे। दोस्तों समोसों को डालने से पहले इंश्योर करें कि ऑयल बहुत ही अच्छे से गरम हो गया हो। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक एक करके जो हमारे समोसे हमने रेडी किए थे उसको मैं फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें बेक भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे डीप फ्राई करते हैं तो स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो एक करछी की सहायता से बहुत ही हल्के हाथों से हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे। दोस्तों जब तक हमारे समोसे फ्राई हो रहे हैं तो उस दौरान जो हमने एंड्स निकाले हैं शीट से उनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। आप उन्हें छोटे छोटे ऐसे पीसेस में काट लीजिए और इन्हें भी फ्राई कर लीजिए। ये एक इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए, तो चलिए हम चटनी भी साथ में रेडी कर रहे हैं। समोसे तो बिना चटनी के अधूरे हैं। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ इमली चटनी, और दोस्तों मैंने इमली चटनी का पाउडर लिया है जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, और पानी ऐड करने के बाद मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ। ये हो गया है बहुत अच्छे से मिक्स। अब बहुत प्रॉपरली मिक्स करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए इसे पकाऊंगी जिससे कि जो हमारी चटनी है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैं जो है जो पैन है उसे प्लेस कर रही हूँ फ्लेम के ऊपर। तो दोस्तों आप देखेंगे कि विद इन 2 मिनट्स जो है हमारी चटनी रेडी हो जाएगी, साथ में हमारे समोसे भी फ्राई हो रहे हैं। आपको चटनी में उबाल आने तक वेट करना है और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है। तो इसे बीच बीच में चलाते रहें जिससे कि ये जो है बॉटम में इकट्ठी ना हो। तो देख सकते हैं उबाल आ गया है, मैंने फ्लेम कर दिया है ऑफ। अब मैं इसे एक बोल में प्लेस कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 2 मिनट में रेडी हो जाने वाली चटनी है, और इधर हमारे समोसे भी हो गए हैं रेडी। मैंने इनकी प्लेटिंग कर दी है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और इनकी फिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं इसे प्रेजेंट कर रही हूँ थोड़ी सी सूखी मूंगफली की चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़